किसान कहूँ मैं, हम दोनों कोई किसानी वाला हूँ, कूड़े दिमाग का पुत्र नो किसान कहूँ मैं, हम दोनों कोई किसानी वाला हूँ, SCBC एकता मंच के सदस्य आज सचिवालय पहुंचे हैं अपनी मांगों का ज्ञापन देने, SP साहब को ये पहुंचे हैं। आइए क्या कुछ पूरा मामला है इनसे जानकारी ले लेते हैं कि जो SP ऑफिस में आज ये पहुंचे हैं ज्ञापन देने की क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों इनको SP ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ सचिवालय आना पड़ा। हाँ जी सर, नाम जी नमस्कार, मैं धर्मपाल रत्ती एडवोकेट वाल्मीकि जाति से संबंध रखता हूँ और SCBC एकता मंच का प्रधान हूँ जी। इसके बाद आज आप ज्ञापन देने आए हो SP साहब को, SP साहब को ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि 27 तारीख को किसान आंदोलन के दौरान सतपाल नामक व्यक्ति ने, जो कि घरौंडा का निवासी है, उसने समूह जाति विशेष तौर पर शब्द कहा है, मैं चूड़े चमार का बेटा नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ। इसका विरोध हम करते हुए, जबकि हमारा संविधान, हर पार्टी, हर सामाजिक व्यक्ति चाहता है कि समाज में भाईचारा बना रहे, लेकिन इस व्यक्ति ने जानबूझकर समाज के अंदर दरार फटाने के लिए, हर तरह से परेशान करने के लिए, जो किसान आंदोलन है उसके समर्थक हम सब हैं, चाहे वो SC हो चाहे BC हो, हम सब किसान आंदोलन के साथी हैं। उस वक्त मौजूदगी में किसान आंदोलन के जो साथी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने भी इस बात का विरोध नहीं किया, इस बात का खेद है हमें, लेकिन हम समर्थन फिर भी हमारा किसान आंदोलन के, क्योंकि किसान के बेटे हैं, हम भी किसानी करते हैं, हर तरह से काम करते हैं, लेकिन साफ तौर पर हमारा विरोध है कि जाति विशेष को बढ़ावा देना ही गलत है। किसी जाति विशेष के कहना कि मैं चूड़े चमार का बेटा नहीं हूँ, सीधा संविधान की गरिमा को ठेस पहुँचाना है, जिसके कारणवश हम सब SCBC एकता मंच के सब पदाधिकारी इकट्ठा होकर SP साहब से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि इस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज करके इसको सजा दीजिए। हमारे साथ वाल्मीकि समाज से भी हैं, चमार समाज से भी हैं और BC समाज से भी हैं, सभी समाज के लोग हैं। संविधान की गरिमा को बना के रखते हुए हमने संविधान के दायरे में रहकर, हमने आज जो विज्ञापन SP साहब को, DC साहब को, CD भी साथ में मुहैया करा रहे हैं, ताकि इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो, और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ना जाने अनजाने व्यक्ति, कम पढ़े लिखे लोग जो इसको बात को उल्टा ना समझ पाए, अगर नहीं हुई तो जिसकी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। हम तो चाहते हैं संविधान में रहते हुए इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और किसी आदमी को कोई अधिकार नहीं है किसी भी जाति को का अनादर करके अपने आप को सुप्रीम बनने की कोशिश करे। तमाम सरकारों ने सामाजिक बुराइयां मिटाने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार के कारण उन सामाजिक कानूनों को भी नज़रअंदाज करके समाज की भी अवहेलना करते हैं, प्रशासन की भी अवहेलना और व्यवस्था की भी अवहेलना करने लगे। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और हम सभी SC एकता मंच के, BC एकता मंच के सभी सदस्य प्रशासन से मांग करने आए हैं कि जो व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हमारे प्रधान जी ने कहा है, ये शरारती तत्व ने जो सतपाल नाम के गरौंडा गांव से जो चूड़े चमार इत्यादि जो बोला है वो गलत है, निंदनीय है, और हम समाज की तरफ से भी एक बात आपको कहना चाहते हैं कि SP साहब ने अगर इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया तो कड़ा कदम ना उठाना पड़े। हम तो यही चाहते हैं कि उनकी जेल भिजवा कर छोड़ेंगे हम इस बंदे को जिसने गलत बोला है। पूरा SCBC एक है सारा, टोटली हमारे BC के भाई भी खड़े हैं। नहीं, आज तो इस टाइम तो सिर्फ कैथल में दे रहे हैं, उसके बाद हम हरियाणा में देंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बात होती है कि चूड़े चमार की तुलना करते हैं कि हम उन जैसे नहीं हैं, जबकि देश की तरक्की में, देश के संविधान के अनुसार, देश की आज़ादी में जो देश हाथ यहाँ तक पहुँचा है, निचले स्तर से SC और BC और वाल्मीकि और चमार समाज के लोगों का बहुत योगदान है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे देश की सुरक्षा के मामले में हो, हर जगह हम देश की सेवा करते हैं, फिर भी हीन भावना से हमारा नाम लिया जाता है कि चूड़े और चमार हम नहीं हैं। ऐसा क्यों है, जबकि ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जो ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग समझदारी से बात करते हैं, अनपढ़ लोग हैं।
पढ़ लिख कर भी अनपढ़ लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जब ये कार्रवाई नहीं हो करेगी सरकार तो हम आगे भी कदम बढ़ाएंगे और इस आंदोलन को राज्य स्तर पर ले जाएंगे। और जो ये वाक्य हमारे साथ गुजरा है ये बहुत ही निंदनीय है, हमारा समाज इसकी निंदा करता है। और हमें सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जो उस टाइम में दूसरे लोग भी खड़े थे उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा भी आप ये गलत बोल रहे हो, क्या चूड़े और चमार कोई इंसान नहीं है जिसकी तुलना करते भी हम चूड़े ये क्या चूड़े चमार का पुत्र नहीं हूँ मैं, तो ये हम ये समझते कि क्या चूड़े चमार की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बारे में हम आज SP साहब से मिलने के लिए आए हैं और इसके बारे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अगला कदम सख्त भी उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो SC BC समाज में जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था उस बारे में इन्हें पूरा रोष भी है और SP साहब से आज ये ज्ञापन देने आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो SC BC समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो एक बहन जी भी हमारे साथ मौजूद है, ये उनसे बातचीत कर लेते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो, सबसे सब समाज को एक साथ रखा जाए। जब हम साथ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें साथ लेके चले ना, बस हम यही चाहते हैं सब सब कार्रवाई। मतलब तो क्या मांग करते हैं SP साहब? हम यही चाहते हैं FIR लॉन्च हो इनके खिलाफ, आगे भी कर रहे हैं, हमें बार बार में तंग कर रहे हैं, जब हम इनको अपना सपोर्ट दे रहे तो हमें भी सपोर्ट देना। ये बस यही चाहते हैं। ये जो सतपाल नामक व्यक्ति है मानसिक मेरे ख्याल से पागल है और ऐसी जातिवादी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम किसानों का पूर्ण रूप से समर्थन किया, SC BC सारी हरियाणा में ऑल इंडिया में हम SC BC के लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो जातिवादी लोग हैं ऐसे घुस के ये आंदोलनों को भी ख़राब करने का काम करते हैं और ऐसे पर सख्त से सख्त कार्रवाई कानून को करनी चाहिए। और इनका जो दिमाग का जो जाति रूपी जो जहर इनके अंदर भरा हुआ है ये कानून के मुताबिक और इन पर केस दर्ज होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो टिप्पणी घिनौनी टिप्पणी जो इन्होंने की है सतपाल ने कि हम चूड़ा चमार के बेटे नहीं है, क्या हम लोग किसी के बेटे नहीं है समाज में या हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो इसके ऊपर FIR लॉन्च होकर के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ऐसे आदमियों के दिमाग में जो घृणा बनी हुई भरी हुई है ना वो सिर्फ FIR लॉन्च होकर के कार्रवाई होने से ही निकल सकती है, अदरवाइज और कोई सोर्स नहीं है। हाँ जी सर नमस्कार, मैं एडवोकेट रमेश जी। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो संविधान ने, भारतीय संविधान ने सभी को समानता का और एकता का अधिकार दिया है और सभी को फंडामेंटल राइट्स है। लोकतंत्र देश है हमारा, लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, तो किसी के बारे में या किसी जाति विशेष के बारे में कहना गलत है। और ऐसी टिप्पणियाँ जो करता है मेरे ख्याल से वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कर सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और स्वच्छ सोच रखने वाला व्यक्ति ऐसी इस तरह की बात नहीं करेगा और ना ही करनी भी चाहिए। हम देखो भाईचारे का संदेश देते हैं, ऐसे मतलब कि जातिवादी की बातें करके ये आपस में भाईचारा खराब करने वाली बात है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये जो भारत बंद के दौरान घरौंडा करनाल में FIR लॉन्च हुई है सतपाल नाम के व्यक्ति की, जो जाति विशेष पे उसने बहुत ही गलत टिप्पणी की है जिससे जाति तौर पे उनको जहर घोला गया है, जिससे समाज में इस शब्द के प्रति उसके कहने के प्रति काफ़ी रोष है। संविधान में ऐसा शब्द कहने का किसी को अधिकार नहीं है, तो मैं प्रशासन से सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो सतपाल नाम का व्यक्ति है, ये पंजाब का है, कहाँ का है, घरौंडे का है, करनाल का है, हमें इसके बारे में पता नहीं, इसके बाप के बारे में पता नहीं, लेकिन इस व्यक्ति विशेष के बारे में जिसने ऐसी टिप्पणी की है समाज में इसका गलत संदेश गया है, सारे समाज में रविदास समाज और वाल्मीकि समाज में इसका विशेष रूप से पूर्ण रूप से रोष है, तो मैं प्रशासन से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके FIR दर्ज की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए।